नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज नविक जीडी के कट ऑफ के लिए। और उसी के साथ जो मुझे कमेंट आए थे कल कि भाई जिन लोगों ने पूछा कि उनकी परसेंटेज 87% है, कोई बोल रहा था मेरी 70% है और किसी ने तो कहा कि मेरी 60% है, तो मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग वाकई में अपना एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं और अपने लिए सिंसियर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझते हैं, तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को फिर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आने वाला है जो वाकई में किसी की बात को समझते हैं और परखते हैं कि हाँ भाई बात में दम है या नहीं है, या फिर ऐसे ही बंदा फेंक रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता और आपको एक रुपया भी देना नहीं पड़ता। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे दोस्तों ये होगा कि आपको आने वाले टाइम में हम जब भी कोई अपडेट देते हैं आपको टाइम पे उसका कम से कम अपडेट जो है वो मिल पाएगा। जैसे कि नविक जीडी के बारे में अब हम जो है हो सकता है एग्जामिनेशन क्लासेस थोड़ी सी मैं आपको जो है इसका मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें और बिल्कुल फ्री में। अब सबसे पहले एक चीज बता दूं कि जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, तो पहले तो आप एक चीज ये चेक कर लो कि अगर आप जलंधर, जोधपुर, नोएडा और वाराणसी के रहने वाले हैं तो आप लोगों का अभी एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हुआ है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चाहे आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पे कुछ भी आ रहा है, आप लोग वेट कीजिए, अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई इसका कट ऑफ कितना गया गया, और उसके बाद जो मेन बात होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया तो मैंने क्यों कहा कि इस वीडियो को जरूर देखना, तो आप लोग पहले थोड़ा सा कट ऑफ के मैंने एडमिट कार्ड्स हैं जो निकाल के रखे हुए हैं, जैसा कि ये है। आप लोगों को बंदे की फोटो नहीं दिख रही होगी और ना ही नाम दिखेगा, क्योंकि इसे मैंने छुपा के रखा है, हाइड करके रखा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि किसी की प्राइवेसी है जो मैं सामने नहीं ला सकता और ना ही आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। जो मेन चीज है परसेंटेज, वो मैंने यहां पे रखी हुई है जो कि आप ध्यान से देख सकते हो कि 66.4% है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखते हो तो ये बिहार है, बिहार में 66.4 तक एडमिट कार्ड आया है, तो आप हिसाब लगा लो कि इतनी कम परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आया। और लोग रो रहे हैं कि 87 से नहीं आया, 90 पे नहीं आया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बाद में बताऊंगा सारा मैटर, लेकिन थोड़ा सा वेट करना मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करना। पहले आप और भी देखिए, कुछ और भी एडमिट कार्ड है, जैसे कि ये है, ये 89 पे आया हुआ है तकरीबन, और लोग 90 वाला बंदा रो रहा था कल, मैंने कमेंट्स देखे यहाँ पे, और ये स्टेट तेलंगाना है, ठीक है। इसी के साथ अगला एडमिट कार्ड यहाँ पे देखिए, कुछ स्टेट मैं बताता हूँ, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश 74.2% पे भी एडमिट कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। अगला मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, भाई ये ऑनलाइन मैंने खोला हुआ है, आप लोग ये लिंक भी देख सकते हो, सिर्फ प्राइवेसी के लिए मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनकी आप परसेंटेज देखो, ये देखो 81% पे भाई इस बंदे का एडमिट कार्ड आया हुआ है। ये स्टेट है तकरीबन कौन सी है, ये त्रिवनमनाली कुछ करके है, तमिलनाडु में, ठीक है, ये स्टेट तमिलनाडु की है, ठीक है। इसी के साथ आगे अगर बात करूं तो ये स्टेट वेस्ट बंगाल की, और परसेंटेज देखो 66.4, तो कितना कम कट ऑफ जो है यहाँ पे गया हुआ है। इसी के साथ अगली स्टेट है उत्तराखंड, तो 73.8 पे भी लोगों का परसेंटेज जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो आया हुआ है। 84% ये केरला में आया हुआ है कुछ का, और ये अगली स्टेट है विशाखापट्टनम, ये किसी का 95 पे था, चलो इसको तो आप छोड़ दो, इसको तो रहने ही दो। अगला देखो यहाँ पे 66.31, तो आप ये अगली जो डिस्ट्रिक्ट है ये है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में भी 60 पर तक जो है एडमिट कार्ड आते हैं। अगला एडमिट कार्ड देखो यहाँ पे 71.8 पे आया, ये स्टेट बिहार है, चलो इसको रहने देते हैं हम। अगली स्टेट जो है वो है आपकी आंध्र प्रदेश, तो ये 87 पे है, ये भी देखो लोग रो रहे थे 87 पे नहीं आया। यहाँ पे देखो, ये देखो सबसे बड़ा 61.85 पे आया हुआ है, और ये स्टेट है महाराष्ट्र, देखो 61% पे भी एडमिट कार्ड आए हैं लोगों के, ठीक है। ये देखो 81.4 इस पे भी परसेंटेज आई है, ये है मध्य प्रदेश का, और 87 वाले रो रहे थे भाई।
तो ये कुछ एडमिट कार्ड थे कट ऑफ जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसमें जो रह गया होगा राजस्थान, मुझे पता है उनके लिए कमेंट्स आ रहे थे, दिल्ली के लिए कुछ लोगों ने कमेंट किया। तो मेरे भाई बात कुछ ऐसी है कि देखो एडमिट कार्ड जो है वो सबके इशू नहीं हुए, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ हमारी भी गलतियां थी। आप लोगों का बैकग्राउंड कैसा है फोटो का वो भी कुछ मैटर करता है, आप लोगों ने साइन किस तरह से अपलोड किए वो चीजें भी मेंशन करती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं। अब बात ऐसी है कि देखो यार यहाँ पे आप लोग 66.4 का देख रहे हो एडमिट कार्ड आया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देखते हो 95 का आया हुआ है। तो इस स्टेट में अब कितना एडमिट कार्ड गया, आपने एक देखा आंध्र प्रदेश में, दूसरा 61 गया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहां पे कितना चला जाएगा कट ऑफ, ये कोई नहीं जानता यार, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको इतना ट्रस्ट हो गया होगा कि हाँ भाई 61 पे तकरीबन एडमिट कार्ड आने के चांसेस है। तो दोस्तों ये मैटर करता है थोड़ा आपकी किस्मत पे भी और आपके शहर पे भी कि वहां से आखिर कट ऑफ कितना चला जाएगा यार, किस हिसाब से लगा लेंगे लोग, आप कितना फॉर्म सही लगा रहे हो वो चीजें भी मैटर करती हैं, आपकी किस्मत मैटर करती है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं कि आपने फॉर्म को क्या प्रॉपर वे में लगाया है या नहीं लगाया, आपने सारा कुछ शॉर्ट में लिखा, कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखा या नहीं लिखा। जैसे कि इसका देखो तो आप सारा कुछ यहाँ पे कैपिटल में मुझे दिख रहा है और कोई भी ऐसा एडमिट कार्ड नहीं दिखा मुझे जिसमें कैपिटल में नहीं हो। तो साफ साफ मैं आपको कहता भी हूँ कि सारा कुछ कैपिटल में लिखा करो। तो हो सकता है कि क्या कारण रहा होगा। तो बस मैं यही इस वीडियो से आपको दिखाना चाहता था कि भाई 61% तक दोस्तों तकरीबन एडमिट कार्ड आ जाता है, मेरा इतना मानना है और मैंने आपको कहा भी था, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी से होते हो तो आई होप आप लोगों का 55 पे भी आ जाता है अगर कोई कैटेगरी से होगा तो। तो आप लोगों को बता दूं, भरोसा करो, एक बार होने से कुछ नहीं हो जाता। अगर आपका इस बार एडमिट कार्ड नहीं आया तो अगली बार का वेट करो, अगली बार आएगा। नहीं आया यार, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन एक पैसा तो नहीं ना लग रहा यार। आप फ्री में फॉर्म लगाते हो घर बैठे हुए, आप मोबाइल से यूज कर लेते हो, सब कुछ यूज कर लेते हो, तो क्या जाता है अप्लाई करने पे। बाकी यार किस्मत की बात है, आप जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है और आप लोगों को अपनी किस्मत पे जो है भरोसा होना चाहिए कि हाँ यार आएगा आएगा, इस बार कट ऑफ कम जाएगा, इस बार कट ऑफ कम जाएगा, करते जाओ यार अप्लाई, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों बस यही है आज की वीडियो जो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ वाइज कि आप लोग मिनिमम परसेंटेज के साथ भी अप्लाई करें, आपकी किस्मत कहां खुल जाए ये कोई नहीं जानता। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ।